सुनैना तुम यहाँ पर कैसे? तुम ठीक तो हो ना सुनैना? ये सब किसने क्या बताओ मैं? और जिस काली शक्ति की आप बात कर रहे वो कोई मामूली काली शक्ति नहीं है। हम तुझे खत्म कर देंगे। हम बाबा के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। उस काली शक्ति का विनाश होगा। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। शिवास तो यहीं से आ रही है। हाँ, आवाज तो यहीं से आ रही है। पर पहले यहाँ तो कट्टा था। फिर कैसे? ओम फट स्वाहा। मुझे बश में करना इतना आसान नहीं है बाबा। मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उससे पहले हम तुझे खत्म कर देंगे। ये देख, तुझे वश में करने की पूरी व्यवस्था कर ली है। ये पवित्र धागा तुझे भेष बदलने नहीं देगा। आज तेरा खेल खत्म हो के रहेगा। हाथों में सुनैना, तुम यहाँ पर कैसे? तुम ठीक तो हो ना सुनैना? ये सब किसने क्या बताओ मैं? मैं बताती हूँ, पहले मुझे ये बताइए आपको वो कुंदा मिला या नहीं? हाँ, मिला सुनैना, पर ये कुंदा टूट गया सुनैना। हमें लगता है सुनैना वो काली शक्ति केवल शक्तिशाली नहीं बल्कि चतुर भी है। वो हमारे हर दौर को सफल कर रही है। तो फिर अधिराज हमें बाबा के पास चलना चाहिए। उन्होंने काली शक्ति को वश में करने के लिए जाल बिछाया है। हो सकता है सफलता मिली हो। हाँ सुन,
नहीं चाहूंगा। मैं छोडूंगी नहीं तुम सबको। साधारण नहीं हूँ, मैं सर्पिका हूँ। मैं शक्तिशाली सर्पिका हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। रोशनी तो बुझ रही है। बाबा! बाबा! अधिराज और सुनैना यहां आ रहे हैं। हमें यहां से जल्दी निकलना होगा। बाबा बाबा बाबा, ये सब किसने किया? बाबा बताइए हमें। हाँ बोलिए बाबा। बाबा क्या कहना चाह रहे थे सुन लेना। महल पता नहीं अधिराज, बाबा हमें किसके बारे में संकेत दे रहे थे? पता नहीं उनकी जान किसने ली है, और ये भी पता नहीं है कि हम कभी उस काली शक्ति तक पहुंच पाएंगे भी या नहीं। तुम दुखी मत हो सुन लेना, हम बाबा के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। उस काली शक्ति का विनाश होगा, अवश्य होगा। हमने तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंपी थी, हमारे राज्य से काली शक्तियों को ढूंढकर उन्हें समाप्त करने की। क्या आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई? हमारे आसपास इतना कुछ होता रहा और आपको आवाज तक नहीं। क्यों? क्योंकि अपनी काली शक्ति का प्रयोग किए बिना हमारे लिए इसका पता लगा पाना बहुत ही कठिन था राजा साहब। और जिस काली शक्ति की आप बात कर रहे हैं वो कोई मामूली काली शक्ति नहीं है, बहुत शक्तिशाली है वो। तभी तो उसने बाबा को पराजित कर दिया। अगर आप हमें काली शक्ति प्रयोग करने की अनुमति दे देंगे तो हम अभी इसी वक्त उसे आपके सामने लाकर खड़ा कर देंगे। नहीं, हमने पहले भी कहा है और आज फिर दोहरा रहे हैं,
हमारे राज्य में कोई भी काली शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा। कल महाअष्टमी है, उसके पश्चात काली शक्ति का अंत अवश्य होगा। आपकी चोट बहुत दर्द हो रहा है नादिराज। जब तुम हमारे पास होती हो तो हमें कोई भी दर्द महसूस नहीं होता, और वैसे भी इस चोट का अधिक असर नहीं होगा हमारे ऊपर, क्योंकि हमारे अंदर अग्निवंशीय शक्तियां हैं। तुम थक गई होगी, और थोड़ा विश्राम कर लो। नहीं अधिराज, आपको दर्द में छोड़कर विश्राम कैसे कर सकती हूँ। तुम दुखी मत हो सुनैना, हम है ना तुम्हारे साथ, और अब तुम देखना अंबे माँ के आशीर्वाद से हम दोनों मिलकर उस काली शक्ति का अंत करेंगे। हाँ अधिराज, मुझे भी पूरा भरोसा है अंबे माँ पर। माता गौरी की जय, माता गौरी की जय। हे अंबे माँ, इस राज्य और प्रजा पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखना, और मेरे अधिराज को हमेशा खुश रखना, और हमारा साथ कभी छूटने मत देना। तुम्हारे और अधिराज के बीच में आके रहूंगी। स्थिति और भी गंभीर होती जा रही है। मंत्री जी, हम नगर का दौरा करके आते हैं। जी राजा साहेब। कितने सुंदर हो आप मेरे राजा साहेब, और देख लेना मेरे संग आपकी सुंदरता और भी बढ़ जाएगी। राजा साहब, राजा साहब, राजा साहब, आप लोग जाइए, मैं हूं, मैं संभाल लूंगी राजा साहब को। राजा साहब, कहां
कहाँ चोट लगी आपको? आपको चोट लगी है? मैं लेप बनाकर लाती हूँ राजे साहब। लेप की कोई आवश्यकता नहीं है, थोड़ी सी सूजन है, चली जाएगी। तुम जाओ जाकर के रानी सुनैना को बुला कर लाओ। जी राजे साहब, आप आराम कीजिए, मैं रानी साहब को बुला कर लाती हूँ। अच्छा हुआ सुनैना, जो तुम इतनी व्यस्त हो, क्योंकि तुम्हारे व्यस्तता के कारण मुझे मेरे राजा के साथ थोड़ा और समय बिताने का अवसर मिल जाएगा। तुम नहीं जानते सुनैना, उनके साथ समय बिताने से अधिक सुखद मेरे लिए और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। आप लोग भोजन ग्रहण कीजिए। राजा साहब, रानी साहब तो पूजा के कार्य में व्यस्त है। मैंने उनसे कहा था कि आपको चोट लगी है, पर उन्होंने कहा थोड़ी देर में आएंगे। वो कन्या पूजन में व्यस्त होगी, पूजन करना भी आवश्यक है। तो मैं काम करो, तुम जाओ, हम थोड़ा विश्राम कर लेते हैं, और तब तक रानी सुनैना भी आ जाएगी। अरे राजा साहब, तब तक मैं लेप लगा देती हूँ, अब आराम कीजिए, फिर मैं चली जाऊंगी। उसकी कोई आवश्यकता नहीं, हम ठीक हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए राजा साहब, मैं एक साधारण दासी हूँ, शायद इसीलिए आप मुझसे लेप लगवाना नहीं चाहते। मैं भूल गई थी, ये कार्य एक साधारण दासी का नहीं है, शायद इसीलिए इतनी मेहनत से लेप बनाकर लाई थी। ठीक है, मैं चली जाती हूँ। ठीक है, तुम औषधि लगा सकते हो। चिंता मत कीजिए राजा साहब, इससे आपका दर्द भी कम हो जाएगा और चोट भी ठीक हो जाएगी। राजा साहब अब तक नहीं आए, मैं उन्हें कक्ष में जाकर प्रसाद देती हूँ। Shh.
शायद सुने ना आ रही है। कर रही हो रानी साहब? मैं वो लेप लगा रही थी। ये तुम्हारा काम नहीं है। मैं हूँ, वैद्य जी है, तुम्हें औषधि लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है राजा साहब को। रानी साहब, अगर मैंने लगा दिया तो क्या अपराध किया? मैंने कहा ना, ये कार्य तुम्हारा नहीं है। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझसे भूल होगी। सुने ना, तुम क्यों तो रोती होती है इस बेचारे पर? ये हमारी परवाह करती है, इसीलिए बस औषधि लगा रही थी, और तुम भी पूजन में व्यस्त थी, और कुछ नहीं। ये सर्पिका भी ना अपनी हरकतों से बाज नहीं आती, बार बार समझाने पर भी समझने का नाम नहीं लेती। अधिराज, मैंने आपसे कहा था ना, ये मोहिनी मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगती। ऐसा लगता है जैसे इसके दो रूप है, हाथी के दांत की तरह, खाने के अलग और दिखाने के अलग। सुने ना, पर हमें ऐसा नहीं लगता। अधिराज, आपको नहीं लगेगा, क्योंकि आप एक पत्नी की नजर से नहीं देख रहे। सुनैना को अगर कुछ आभास हुआ है तो। माँ, ऐसा नहीं, वो भोली, हमें चोट लगी तो भाग कर गई और औषधि ले आई हमें लगाने के लिए। राजा साहिब, एक दासी के लिए हम आपस में बहस क्यों कर रहे हैं? मोहिनी, तू क्या सुन रही है? जा यहां से। इस मोहिनी के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, मुझे कुछ करना होगा। हमें ये तो नहीं पता कि वास्तव में तुम्हारे साथ क्या हुआ, किंतु हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे राज्य में किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा। यदि रानी सुनैना तुम्हें मानसिक और शारीरिक रूप से चोट पहुंचाई है। नहीं राजा साहब, क्षमा आपने, क्षमा मैं मांगूंगी, क्षमा कर देना। मैं चाहती हूँ तुम पूरे सम्मान के साथ महल में रहो।